देखिए कंप्लीट हो गया हमारा बेडशीट। बस 20 मिनट के अंदर ही हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। बस हमको एक कलर मिक्सिंग पेस्ट तैयार करने में ही थोड़ा टाइम लेगा। हेलो नमस्ते, वेलकम टू आवर श्री ओम स्क्रीन प्रिंटिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं यहाँ आपको एक बेडशीट प्रिंट करके दिखाऊंगी। इस बेडशीट काटन बेडशीट है, इसको मैं स्क्रीन प्रिंटिंग करूंगी। जब भी आप बेडशीट प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो इस तरह आप भी फोल्ड कीजिए। इस तरह आपको जितना छोटा छोटा डिस्टेंस में आपको डिज़ाइन आना है उतना फोल्डिंग्स आप करने से आपको क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस में आप प्रिंट कर पाएंगे। तो इस तरह आप फोल्ड करके इसे इस्त्री कर लीजिए, इक्वल डिस्टेंस आपको आसान होगा। तो इसका कलर है थोड़ा लाइट ब्लू वाला सेल्फ डिज़ाइन, और इसमें पर्पल बॉर्डर भी आ गया है। तो इसके लिए मैं ब्लू यूज़ कर रही हूँ, डार्क ब्लू, और ये पर्पल भी यूज़ कर रही हूँ। ये पर्पल कलर है, अगर किसी को चाहिए ये हमसे ले सकते हैं। अभी इसको भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। इसमें इसको ज़्यादा तक रोसेस करने में यूज़ करते हैं, रोसेस का कलर बहुत नेचुरल आएगा। तो आप जानते हैं हमारे चैनल में आपको ब्लॉक प्रिंटिंग एंड स्क्रीन प्रिंटिंग, उसके साथ टाई एंड डाई वीडियोस, इन सब से आप ये सारा सब्जेक्ट सीख सकते हैं। तो ज़रूर हमारे वीडियोस को वॉच कीजिए। आप में से कोई हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। ये प्योर काटन का बेडशीट है, इसके लिए मैं वाइट बाइंडर यूज़ कर रही हूँ। अगर डार्क कलर में आपको करना है तो खादी यूज़ कीजिएगा। तो इसमें ऑलरेडी फिक्सर भी मिक्स्ड है। Thank you.
अब ये डिज़ाइन पर्पल के साथ कर रही हूँ। आप चाहे तो सेम डिज़ाइन भी कर सकते हैं, सेम कलर भी कर सकते हैं। देखिए कंप्लीट हो गया हमारा बेडशीट। बस 20 मिनट के अंदर ही हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। बस हमको एक कलर मिक्सिंग पेस्ट तैयार करने में ही थोड़ा टाइम लेगा। इसके कलर के ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगेगा, ये तय करने के बाद आपको बहुत जल्दी काम फिनिश हो जाएगा। पूरा बेडशीट इस तरह आता है। इसके लिए मुझे बस 4 चम्मच का पेस्ट का यूज़ करना पड़ा, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। बहुत कम पेस्ट में ये बेडशीट बन गया है। आप चाहे तो बॉर्डर्स भी कर सकते हैं, हमारे पास बॉर्डर्स भी हैं। कई तरह के डिज़ाइन से जो साड़ी पे कर सके, ड्रेस पे कर सके और बेडशीट पे कर सके, ये सारी मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। अगर आपको चाहे तो हमसे ले सकते हैं। आपके वहाँ ही ये सारा मटेरियल मिलता तो और भी अच्छा है, आप वहाँ से ही लेकर इस तरह का काम अपने लिए शुरू कर सकते हैं, नहीं तो बिजनेस के तौर पर भी आप शुरू कर सकते हैं। वो आपका प्रिंटिंग का काम ख़त्म होते ही आप अपना स्क्रीन को साफ कीजिए ज़रूर, क्योंकि ज़्यादा टाइम उसे ऐसे ही छोड़ेंगे, कम से कम आपको 2 मिनट के अंदर स्क्रीन को साफ करना है, नहीं तो ब्लॉक होता है। और जब भी इस तरह का आप प्रिंट करते हैं साड़ी या दुपट्टे कुछ भी, इसे कमरे में ही ऐसे ही ड्राई होने दीजिए, 1 आधा घंटा ऐसे ही छोड़ दीजिए। बाद में आपको धूप में रिवर्स करके ड्राई करना है, सुखा देना है। कम से कम 6 घंटा धूप में आप सुखाएंगे तो ये प्रिंट अच्छा सा पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट 2 दिन के बाद आप इसे रिवर्स में इस्त्री भी कीजिए तो ये प्रिंट कभी भी आपको ये कलर्स वॉशिंग में निकलते नहीं हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम और एक अच्छे से वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। बाय।